Good morning class, welcome back to your online classes and today is your computer period. Everyone take out your book computer browser and take out chapter number 3 parts of computer. Parts of computer का मतलब है computer के हिस्से. Class, आपकी इस chapter से पहले मैं आपको ये activity complete करना बता देती हूँ जो सब बच्चों को अपने आप से book में करनी है. Check your understanding, जैसे कि आपको क्या करना है. Ask your father about his profession. आपको आपके पापा से पूछना है कि वो क्या काम करते हैं. And check whether he use computer in his office. और आपको ये भी पूछना है कि क्या वो अपने ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ करते हैं. अब ये देखिए फ़न टाइम है या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बने हैं. कुछ टेडी बियर्स बने हैं, कुछ कंप्यूटर्स बने हैं, पेंस हैं, मोबाइल्स हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ाज़ हैं, डाइस है जिसे हम लूडो खेलते हैं. तो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स बने हैं उन्हें आपको कौन सा कलर करना है? ब्लू. विच कलर? ब्लू. ओके. और ये जो छोटे छोटे टेडीज़ हैं, टेडीज़ में आपको करना है पिंक कलर. ऑल द पिज़्ज़ा पीसेस, जो भी पिज़्ज़ा के पीस हैं आपको उन्हें येलो करना है. देखिए जैसे कि एक ये पिज़्ज़ा का पीस है, ये भी पिज़्ज़ा का पीस है. पिज़्ज़ा राउंड एंड ट्राइंगल शेप में होता है. तो इसी तरह से जो भी अलग ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं, जैसे बलून को आप सभी बलून को रेड कर सकते हो, हार्ट हैं तो आप सभी हार्ट को ग्रीन कर सकते हो. तो इसी तरह से सिर्फ एक तरह के पिक्चर में एक ही तरह का कलर आपको भरना है अपने पसंद से. और जो ऊपर इंडिकेट किए गए हैं उन पिक्चर्स को आप उन्हीं कलर से फिल करेंगे, बाकी पिक्चर्स को आप अपनी पसंद से फिल करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर के हिस्से. अगर आपने कंप्यूटर देखा हो, आपके घर में हो, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, हेड, नोज़, आइज़, हैंड, और सबका अलग अलग काम होता है. जैसे हमारे हैंड से हम चीज़ों को पकड़ते हैं, लेग से क्या करते हैं हम चलते हैं, ओके. और अपने माउथ से हम बोलते हैं, आइज से हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं. हमारी बॉडी के पार्ट्स के अलग अलग यूज़ होते हैं, वैसे कंप्यूटर के पार्ट्स के भी अलग अलग क्या होते हैं, यूज़ होते हैं. कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क. कंप्यूटर कैन डू यानी कंप्यूटर कर सकता है डिफरेंट यानी अलग अलग तरह के टाइप यानी तरह के टास्क. टास्क यानी काम. लाइक प्लेइंग गेम, जैसे आप कंप्यूटर पे गेम प्ले कर सकते हो. लिसनिंग टू म्यूजिक, आप म्यूजिक गाने सुन सकते हो. टीचिंग यानी पढ़ा भी सकते हैं कंप्यूटर पर. वॉचिंग मूवीज़, हम कंप्यूटर पे मूवी देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं. बाइंग टॉयज़ एक्सेट्रा, यानी आप अपने खिलौने भी कंप्यूटर से ख़रीद सकते हो. यानी कंप्यूटर पे आप किसी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह किसी भी साइट पर जाके अपनी पसंद के टॉय की पिक्चर चूज़ करो और फिर उस टॉय का ऑर्डर दे दो और फिर वो सामान आपके घर में डिलीवर हो जाता है. कंप्यूटर्स आर फाउंड एट मैनी प्लेसेस. कंप्यूटर बहुत सारी जगह पे फाउंड यानी पाए जाते हैं. मैनी प्लेस यानी कई जगह पे. लाइक जैसे कि स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर होता है. स्कूल में क्यों होता है कंप्यूटर? उसमें सब बच्चों के रिकॉर्ड्स होते हैं ना. जब आप स्कूल आते हैं बस आपका नाम कंप्यूटर पे टाइप किया जाता है और आपका सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपके मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, ओके. बैंक, बैंक में भी कंप्यूटर यूज़ होता है. बैंक कौन सी जगह होती है? जहाँ हम अपने पैसे जमा कराते हैं और पैसों को निकालते हैं, तो वो जगह बैंक होती है. अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैंक गए हों तो बैंक में सारा काम कंप्यूटर पर होता है. हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी क्या होता है, कंप्यूटर्स पे एक वर्क होता है ताकि मरीज़ों का जो बीमारियां हैं मरीज़ों की वो पता लगाई जा सके. एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, तो एयरपोर्ट पे भी कंप्यूटर यूज़ होता है. ओके क्लास, तो हम कंप्यूटर पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा. और कंप्यूटर बहुत सारे प्लेसेस पर मिलता है यानी बहुत सारी जगहों पर होता है, हमने ये पढ़ा. अब हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पार्ट्स यानी हिस्से, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के. हम कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में कौन से पार्ट होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है. वर्क डन बाय ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी हर पार्ट क्या करता है. वर्क डन बाय यानी क्या उसका द्वारा काम किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है. तो जस्ट एज देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, जस्ट एज जैसे कि देयर आर डिफरेंट पार्ट. डिफरेंट यानी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के. अ कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर के भी अलग अलग हिस्से होते हैं. ऑल दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द गिवन टास्क. ये सभी हिस्से वर्क टुगेदर यानी एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म द गिवन टास्क.
परफॉर्म यानी कि करके दिखाना, गिवन टास्क यानी दिया हुआ काम। जब हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो ये अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं और तब वो हमारा काम पूरा होता है। अब जैसे मान लो आपको खाना खाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने हैंड से उठा के खाने की प्लेट को लाओगे, फिर अपनी फिंगर से बाइट को तोड़ोगे, फिर अपने मुँह में डालोगे, फिर आपके टीथ उस खाने को च्यू करेंगे, चबाएंगे, और फिर आप उसे अपने स्टमक में, अपने पेट में ले जाओगे, फिर वो खाना डाइजेस्ट होगा। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे हिस्सों ने काम किया ना खाना खाने के लिए। तो उसी तरह से कंप्यूटर को जब कोई काम दिया जाता है तो उसके अलग अलग पार्ट्स मिलके काम करते हैं। ठीक है, लेट सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आउट। कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को देखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये जो टीवी के जैसे दिखता है वो क्या होता है, मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन दिखती है मॉनिटर बिल्कुल वैसे ही दिखता है। मॉनिटर पे आपको कुछ टाइप करना है, जैसे अपनी आप नोटबुक में पेंसिल से लिखते हो, अगर आपको कंप्यूटर पे कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कीबोर्ड। क्या होता है ये, कीबोर्ड, KEY KEYBORD, बोर्ड। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आपको कंप्यूटर पे आप अपना नाम टाइप कर सकते हो, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मा का नाम, ये सब कुछ आप अपनी फैमिली के नेम टाइप करके देख सकते हो। ठीक है, कीबोर्ड की हेल्प से। उसके ऊपर ABCD वाली अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं। ये कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर क्या होते हैं, जिससे हमें कंप्यूटर में गाने सुनाई देते हैं तेज़ आवाज़ में। ठीक है, नाउ दिस इज प्रिंटर। क्या है ये, प्रिंटर। जब आपके स्कूल से कोई भी वर्क आता है तो आपके पेरेंट्स उसका प्रिंट आउट लेकर आते हैं ना, यानी जो कंप्यूटर में हमें वर्कशीट दिखाई देती है, अगर हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए तो हमें कौन देता है, वो प्रिंटर। नेक्स्ट इज ये जो बॉक्स होता है एक, इसे बोलते हैं CPU। क्या होता है ये, CPU बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ध्यान से काम करो, अपना दिमाग लगाओ, तो हम अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में सब कुछ याद करते हैं ना, तो कंप्यूटर का सारा काम इसी में, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का सारा जो डेटा होता है वो इसी के अंदर होता है। डेटा मतलब काम, कंप्यूटर सब कुछ इसी में याद रखता है। CPU, CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है। दिस इज़ माउस। क्या है ये बच्चों, माउस। अब जैसे मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाने के लिए पेंसिल इधर उधर लेके जा रही हूँ ना, दिस इज़ प्रिंटर, दिस इज़ मॉनिटर, दिस इज़ CPU, दिस इज़ कीबोर्ड, तो ये होता है माउस। माउस क्या करता है, आप कंप्यूटर में कहीं भी कुछ देखना चाहते हो तो जिस तरह से किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, कुछ दिखाना है, तो वो माउस की हेल्प से दिखाते हैं। ठीक है क्लास, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। मैं आज आपको सिर्फ इतना ही ये चैप्टर रीड करवाऊँगी, आपको ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लर्न करने हैं। और मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस आपकी क्लास का वर्क रिपीट कर देती हूँ। क्लास, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिन बच्चों ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है, ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये आपकी 11 जुलाई की क्लास में हुए थे। नेक्स्ट मैंने आपको 18 जुलाई की क्लास में ये वर्ड मीनिंग न्यू वर्ड्स दिए थे, पेस्टिंग वर्क दिया था, और 22 जुलाई में मैंने आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। आई होप इन 2 लेसन्स का काम सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया है और बुक्स में भी कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको पेस्टिंग वर्क दे रही हूँ। एक तो आपको चैप्टर 3 मैंने जितना रीड कराया है उतना आपको रीड करना है। ये जो पेस्टिंग वर्क है मैं आपको कंप्यूटर कॉपी में दे रही हूँ। आपने कंप्यूटर की एक प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई होगी। प्रैक्टिकल नोटबुक होता है जिसका एक पेज तो प्लेन होता है और एक साइड में ऐसे ही लाइंस होती हैं। आपकी कंप्यूटर की ऐसी ही कॉपी बनाई है ना आपने प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको कुछ पेस्टिंग वर्क करना है। जिस चैप्टर का पेस्टिंग वर्क आपने किया है उसको नहीं करोगे, लेकिन जिसका नहीं किया उसको आप करोगे। पेस्टिंग वर्क है पिक्चर्स पेस्ट करने का काम मैं आपको दे रही हूँ। चैप्टर 1 कंप्यूटर और मशीन। चैप्टर 1 में आपको क्या करना है, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 5 मशीन्स एंड राइट देयर नेम्स। जो आपने चैप्टर 1 के जहाँ वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं उसके सामने जो भी प्लेन पेजेस है ना, वहाँ आपको क्या करना है, एनी 5 मशीन, कोई भी 5 मशीन के पिक्चर लगाने हैं और उनको पेस्ट करना है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, व्हाटएवर मशीन, जो भी पिक्चर आपके पास में है आप लिखोगे और उनके नेम्स लिखेंगे और वो पिक्चर पेस्ट करेंगे। अगर आपने ये काम किया है तो आप नहीं करोगे, नहीं किया है तो कंप्लीट करना है। चैप्टर 2 का पेस्टिंग वर्क है, कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, ये हमारा चैप्टर 2 था। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। ये मैंने आपको वर्क दिया था 22 जुलाई को कि आपको पेस्ट करने थे 4 प्लेसेस के पिक्चर जहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप नहीं करोगे, बट अगर नहीं करा है बच्चों तो आपको ये पेस्टिंग वर्क करना है आज। अब मैंने आपको 3rd लेसन रीड कराया है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो अब आपको क्या करना है इसका पेस्टिंग वर्क।
पेज पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड राइट देयर नेम्स, यानी कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग हिस्सों के आपको पिक्चर लगाने हैं एंड राइट देयर नेम्स और उनके नाम भी लिखने हैं। देखो ये सभी कंप्यूटर पार्ट्स हैं ना, तो ये सभी आपको कंप्यूटर पार्ट्स के पिक्चर अपनी नोटबुक में पेस्ट करने हैं चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख के, और उनके नाम लिखने हैं, उन्हें लर्न भी करना है। ओके क्लास, आज हम यही करेंगे। आपने दोनों चैप्टर्स का, प्रीवियस दो चैप्टर्स का काम पूरा करना है, आपने थर्ड चैप्टर को रीड करना है, कंप्यूटर पार्ट्स को लर्न करना है, और ये पेस्टिंग वर्क जहाँ तक हुआ है वो करो और जो नहीं हुआ है उसे कंप्लीट करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।